सरकारें आम आदमियों की जेब पर कैसे डाका डालती हैं, इसकी बानगी लगातार देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल शतक लगा चुके हैं और पहले से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान लोगों को, खासकर झाबुआ ज़िले के लोगों को, अब एक और वसूली का नया गेट मिल गया है। सरकार को एक नया रास्ता मिल गया है। सरकार ने अंतरवेलिया के पास झाबुआ रतलाम के बीच में एक टोल पॉइंट खोला है। आज सुबह जब लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक टोल बैरियर लग चुका था और इस टोल पर भी वसूली शुरू हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि आज से 6 साल पहले जो सड़क बनी थी उसका टोल छः साल बाद वसूला जा रहा है, शुरुआत की गई है। सड़क की एक औसत अवधि 5 साल होती है जो पूरी हो चुकी है। इस अवधि के गुजरने के बाद ये टैक्स वसूला जाना ठीक वैसा ही है जैसा कि अंग्रेज और जो डच मुगल पठान थे वो भारत में वसूला करते थे, जिसके ऊपर लगान नाम की फिल्म भी बनाई गई थी। तो ये मैं शुरू से इसलिए कह रहा हूँ कि ये वसूली ऐसी है कि मुग़ल और अंग्रेज़ भी शर्मा जाएं, और ये वसूली बकायदा पुलिस की मदद से हो रही है। यहाँ बकायदा सुबह से पुलिस का पॉइंट लगाया गया है ताकि कोई यहाँ पर विवाद न करे और ये टोल वसूली में आसानी हो सके। और सुविधा के नाम पे इस टोल केंद्र पे आप देखिए कुछ भी नहीं है, 2 बॉक्सेस लगा दिए गए हैं, यहाँ पर बैठ के वसूली हो रही है। पहले से सकरा रोड है और अब यहाँ पर लंबी लाइनें लग रही हैं, जाम लग रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। पहले आप लोगों का रिएक्शन देखिए। क्या हुआ? डेली चलते हैं और आज लेट हो गए हैं, टोल जाम लग गया था। तो टोल टैक्स कल था नहीं था? कल नहीं था, अचानक बना। हाँ, अचानक। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भैया न शासन की सूचना न कुछ नहीं, रातों रात टोल टैक्स चालू करना, और इस रोड की समय सीमा भी पूरी हो चुकी है, 5 साल से ऊपर हो गया, फिर किस बात का टोल टैक्स ले रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और रोड भी टूटा हुआ है पूरा, ना रोड ढंग का है ना कुछ भी नहीं। शासन की क्या समस्या, मेरे को कुछ को समझ में नहीं आ रहा, क्या चाहती शासन? कोई रोड बना ना कुछ हुआ, ये लूटमार मचा रखी है, पुलिस साथ में मिला ली, और क्या है ये? 1 घंटा हो गया खड़े में, पीछे लाइन पे चले आना 1 घंटे से जबरदस्ती का। आपको क्या लगता है टोल नहीं होना चाहिए था? काय के लिए होना चाहिए टोल? क्या रोड बनाया क्या करा? कुछ भी तो नहीं करा, जो पुराना रोड बरसों से है वही है। और इसी दौरान झाबुआ के विधायक कांतिलाल भुरिया भी यहाँ पहुँच गए और जब जाम को देखा तो उन्होंने MPRDC के अफसरों को हड़काया। ये वीडियो देखिए। वहाँ पे 6-7 साल पहले काम रोड का हुआ था, उबड़ खोबड़ हो गया, आपके टोल टैक्स रोड लगा दिया आपने, टोल नाका लगा दिया, तो ये तो लोग परेशान हो रहे। सिंगल रोड में सारे लंबी कतारें गाड़ियाँ खड़ी हो गई, वैसे गरीब जनता मर रही है। हाँ, तो ये लगा नंबर दो, तुमने एक पैसा नहीं लगाया यहाँ, और मैंने पैसा वसूल कर रहा है, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं ना। तो सर, ये जो वसूली हो रही है इससे जो वाहन है चालक ये परेशान है, जाम लग रहा है, पुलिस की सुरक्षा भी है, क्या कहेंगे? अब यहाँ पे सिंगल रोड है, जाम हो रहा है, लंबी कतारें हो रही है, और ये पैसे वसूल करने में मस्त है, और उनको टोल पर वालों को उनको पुलिस की सुरक्षा मिल रही है, पुलिस वाले सब यहाँ पे अपराधी हो रही, वहाँ तो जा ही नहीं रहा, और यहाँ पर मैंने पैसे वसूल करने के लिए पुलिस विभाग को यहाँ पर लगा दिया, उनके नाका वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए। तो ये ऐसे सुरक्षा में वसूली हो रही है तो कैसे काम चलेगा? निश्चित ही उसके लिए मैंने ऊपर बात करेंगे और उसके ऊपर पुनः विचार करें ये लोग, क्योंकि लोग ऐसे मरे हैं। मैं शिवसेना अध्यक्ष हूँ, शुरू से लड़ा हूँ और लड़ूंगा। 30 साल इस जिले को गंवाए मैंने, 30 साल मेरे जिले को दिए हैं। चाहे मैं 500 लड़के बैठ के वहाँ जाम लगाऊंगा, आप यहाँ जाम लगाओ। देखो, कोरोना की मार से वैसे ही लोग नहीं उभर पाया है, उसके आप चौड़ा करो, इसको कायदे से करो, कोई ट्रैफिक जाम नहीं हो, मेरे को मंजूर है, और आपके जो लीगल है वो करो, आप ना नहीं कह रहा हूँ, पर अभी ये बंद करो। अब मेरे साथ मौजूद है ये जो टोल सेंटर बना है इसके मैनेजर, क्या नाम है आपका? राजेश पटेल। पटेल साहब, अचानक से चालू हो गया, रोड तो बने 6 साल हो गए। जी सर, अभी गवर्नमेंट के निर्देश जो आए हैं, इसका टेंडर दिसंबर में रिलीज हुआ था, जो टेंडर हमारी कंपनी को मिला है, तो 2 तारीख को हमको एग्रीमेंट के लिए बुलाया गया, 5 तारीख को, 6 तारीख को इसका एग्रीमेंट हुआ है,
तो एग्रीमेंट के अनुसार एग्रीमेंट के 2 दिन के बाद टोल चालू करना था। अब ये टोल चालू हुआ है, आप देख रहे हैं ये चौड़ीकरण के लिए चल रहा है। और जो परमानेंट टोल बनेगा वो यहाँ से थोड़ा आगे बनेगा, जिसका काम अभी 45 से 50 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन टोल तो सड़क पे लिया जाता है, सड़क तो पूरी रास्ते में उखड़ी हुई है, किस चीज़ का टोल? सर ये तो MPRDC ने इसका टेंडर निकाला है, इसका जवाब तो MPRDC दे पाएगी कि ये किस लिए उन्होंने अभी 6 साल के बाद टोल जो बनाया तो ये किस लिए बनाया है, तो इसका जवाब आपको MPRDC से ही मिल पाएगा। तो आपकी कंपनी को कितने जगह टोल पॉइंट लगाने हैं? ये 2 पॉइंट है सर, एक ये है चैनेज नंबर 95 से 96 के बीच में, और एक यहाँ से है रतलाम के पास में चैनेज नंबर 5 से 6 के बीच में। तो आपको यहाँ पे किस तरीके का सामना करना पड़ा जब आप सुबह यहाँ पे आए? एक तो लंबा जाम है जी, दूसरा लोग भी विरोध कर रहे हैं। जी सर, अभी ये है कि 6 सालों से जब रोड बनी है तो टोल नहीं था, अचानक से टोल चालू हुआ है, तो जो गाड़ी डेली फ्री जा रही थी उसको अचानक से पेमेंट पे करना पड़ेगा तो सभी समस्या तो आएगी। नहीं, लेकिन सड़क भी तो नहीं है, उखड़ गई है। जी सर, अब जब से ये तो गवर्नमेंट ने जब इसमें टेंडर जारी किया है तो सर्वे करने के बाद ही किया होगा सर, मतलब हो सकता है कि फ्यूचर कुछ। आप एक लाइन में बताइए, सड़क अच्छी है या उखड़ी है, खराब है? सर सड़क अपन ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोल सकते और ज़्यादा खराब भी नहीं बोल सकते, इसीलिए वसूली जा रही है जी। तो ये पटेल साहब थे, आपकी कंपनी का नाम क्या है, कहाँ की है? जी हमारी कंपनी छिंदवाड़ा की है, नवीन कंस्ट्रक्शन नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है। ओके, तो ये छिंदवाड़ा की कंपनी को ठेका हुआ है, और जैसा कि मैंने बताया पुलिस सुरक्षा में टोल वसूली उस रोड की जो अस्तित्व में ही नहीं है, लगभग उखड़ गया है, लोग परेशान हैं, यहाँ वाहन रतलाम तक जाने में लोगों को दिक्कत हो जाती है, अब और दिक्कत होगी क्योंकि उन्हें 2 जगह पैसा चुकाना पड़ेगा, जाते समय भी आते समय भी, और साथ में लंबी लंबी लाइनों से भी 2-4 होना पड़ेगा। तो सवाल यही है कि ये कैसा गवर्नेंस है? आम जनता के लिए सरकारें होती हैं, आम जनता की सहूलियत के लिए होती है, कभी GST के नाम पर, कभी पेट्रोल की कीमतों के नाम पर, तो कभी टोल के नाम पर, जनता की जेब पे डाका डालना ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सा गवर्नेंस है? और अगर जनता की जेब पे डाका डाल के ही शासन सरकार अपना सरकार चलाने के लिए वित्त जुटाएंगी तो फिर लुटेरों में और लोकतांत्रिक सरकारों में फ़र्क क्या रहेगा? आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।